नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चक्र। बांदा, युवती ने व उसके परिजनों ने पुलिस अधीक्षक बांदा से लगाया दहेज में मोटरसाइकिल की मांग का आरोप। पूरा मामला बांदा जिले बबेरू थाना अंतर्गत ग्राम भांति की फूल कुमारी पुत्री हीरालाल उम्र 20 वर्ष ने पुलिस अधीक्षक बांदा कार्यालय पहुँच करके अपने पति, सास, ससुर और ननंद के खिलाफ दहेज में मोटरसाइकिल की मांग व आए दिन की किचकिच से परेशान होकर के 8 महीने के गर्भ धारण किए पत्नी को रक्षाबंधन के बहाने घर से भेज देने के बाद आज तक आने नहीं दिया व सारे जेवर आदि भी छीन लिए। अब श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी व मेरी कोख में पल रहे बच्चे की पूरी सुरक्षा के साथ मेरी समस्या का निवारण करने की मांग है। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। कहाँ से आई हैं? क्या है समस्या? ये है मलवरा कर नहीं आई, मार्ग निकाल दी है हम, दारू पी के मारा थी बापू तो सास ठारे मरवावत थी वह एक मतलब बैठा गाड़ी मांगा थी कहा इतने इतने तो अब आप दीने नहीं है। बाप मार के बाप कहानी फोन लगावत थी मैं तो सुनावत थी फोन से बाप कहानी गरियावत थी मैं महाताई गरियावत थी भाई गरियावत थी मैं अब मार के छोड़िया है मई के माहनी लगावा नहीं गया ही ठानी सोने की अंगूठी दी नहीं जंजीर दी नहीं काजे मानी 1 लाख रुपये बयाना दी नहीं। कहाँ हुई थी शादी आपकी? अलीहा। अलीहा कितने दिन पहले हुई थी? 3 साल हो गई, 4वें साल हुआ। तो आप लोग पुलिस अधीक्षक के पास में गए थे अभी? हाँ। कोई मिला? नहीं। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? दोनों पार्टी को बोला है, दोनों बोला है। यानी आश्वासन दिया है आपको? हाँ।